श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरुंचे नाम स्मरा हो दत्त गुरुंचे भजन करा दत्त गुरुंचे नाम स्मरा हो दत्त गुरुंचे भजन करा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ नमस्कार आराधना देवास के धार्मिक विरासतों को प्रस्तुत करता हमारा प्रयास आराधना। आज हम आए हैं देवास के पश्चिम दिशा में उज्जैन रोड पर 12 किलोमीटर दूर स्थित बांगर गांव में। तो आइए चलते हैं और करते हैं आराधना भगवान दत्त की। आत्म सुखाचा मोक्ष लुटाया अमोल ठेवा हाती धरा दत्त चरण माहेर सुखाचे दत्त भजन भोजन मोक्षाचे कव चला बता दत्त कृपेचे कळी काळाचे भय न धरा स्थितिलय करता योग ज्ञान उद्गाता त्राता दत्त चरित मधु गाता गाता दत्त चरित मधु गाता गाता भवसागर हा पार करा। दत्त मंदिर की स्थापना काका महाराज ने की थी जो मुख्यतः कर्नाटक के रहने वाले हैं। उनको दत्त मंदिर की स्थापना के लिए ऐसे स्थान की आवश्यकता थी जहां ज्योतिर्लिंग शक्तिपीठ के मध्य हो और जहाँ पानी का स्रोत और शमशान घाट हो और उनकी ये खोज यहाँ आके पूरी हुई। भजन करा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरुंचे नाम स्मरा हो दत्त गुरुंचे भजन करा दत्त गुरुंचे नाम स्मरा हो दत्त गुरुंचे भजन करा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा बांगर स्थित दत्त मंदिर एकमात्र ऐसा धार्मिक स्थल है जो शमशान भूमि के ठीक सामने स्थित है। आत्म सुखाचा मोक्ष लुटाया अमोल ठेवा हाती धरा दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा
दत्त चरण माहेर सुखाचे दत्त भजन भोजन मोक्षाचे कवच लाभता दत्त कृपेचे कळी काळाचे भय न धरा दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दिगंबरा उत्पत्ति स्थिति लय करता योग ज्ञान उद्गाता त्राता दत्त चरित मधु गाता गाता दत्त चरित मधु गाता गाता भव सागर हा पार करा दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दत्त गुरुंचे नाम स्मरा हो दत्त गुरुंचे भजन करा दत्त गुरुंचे नाम स्मरा हो दत्त गुरुंचे भजन करा दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दिगंबरा हे नामामृत भव भयहारक अघ संहारक त्रिभुवन तारक आत्मसुखाचा मोक्ष लुटाया आत्मसुखाचा मोक्ष लुटाया अमोल ठेवा हाती धरा दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दिगंबरा दत्त चरण माहेर सुखाचे दत्त भजन भोजन मोक्षाचे कवच लाभता दत्त कृपेचे कळी काळाचे भय न धरा दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दिगंबरा उत्पत्ति स्थिति लय करता योग ज्ञान उद्गाता त्राता दत्त चरित मधु गाता गाता दत्त चरित मधु गाता गाता भव सागर हा पार करा दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दिगंबरा दत्त गुरुंचे नाम स्मरा हो दत्त गुरुंचे भजन करा दत्त गुरुंचे नाम स्मरा हो दत्त गुरुंचे भजन करा दिगंबरा दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा 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 दिगंबरा
इस मंदिर की स्थापना काका महाराज जिनको कहते हैं, वो मेरे बड़े भैया थे जी। उनको गाणगापुर में आदेश हुआ कि तुम जैसा हमारा दक्षिण में मंदिर है जागृत स्थान, वैसे तुम उत्तर में जाके हमारा गाणगापुर स्थान बनाओ। ऐसा आदेश गुरु से मिलने के बाद में काका महाराज उत्तर भारत में इन्हें कहाँ पे करना, तो उन्होंने उनको लक्षण बताए जहाँ पे सामने स्मशान होगा, पानी की व्यवस्था होगी, वैराग्य और भक्ति भूमि होगी, सदी का खेत होगा, मतलब पुण्य भूमि होगी। ऐसे 8 लक्षण बताए उनको। वो ढूंढते 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 मालवा में आए काका महाराज। मालवा में आने के बाद में प्रभु ने यहाँ के स्थान बारे में उनको 500 साल का इतिहास बताया। बताते ये सामने यहाँ हमारे गांव से 2 किलोमीटर पे द्वारकाधीश पिपलोदगर के गांव है, जब सांदीपनि आश्रम में प्रभु पढ़ाई करने के लिए आए थे, गुरु दीक्षा लेने के लिए, तब यहाँ उनका वास्तव था, ऐसा पुराणों में उल्लेख है। उसके मुताबिक ये पवित्र स्थली है। यहाँ पे उन्होंने काका महाराज ने 10 जुलाई 1975 में इस मंदिर की स्थापना करी पादुका की। वो मेरे हाथ से हुई और जब से मैं यहाँ सेवा पे रहता हूँ। ये ब्रह्मचारी देवता है, काका महाराज भी ब्रह्मचारी थे। इन्होंने जीवन में कभी पैसे को छोटा नहीं लिया, दान नहीं लेते थे। कलयुग में वो सिद्धांत है कि कुछ भी बोना पड़ता है तब उगता है, कुछ तो देना पड़ता है तब मिलता है, कुछ खोना पड़ता है तब प्राप्ति होती, ये सिद्धांत है। इसके अनुसार ये तो कुछ लेते नहीं है, तो इनसे यदि मांगना है तो खाली निर्गुण मांगने से नहीं होगा, तो इनके लिए गुरु महाराज को एक नारियल का दान दिया जाता है ताकि उनको मांगने का अधिकार प्राप्त हो और प्रभु कृपा हो। इसके लिए ये 5 गुरुवार आने के बाद में संकल्प करके नारियल बांधते है और नारियल से खुश होते परमात्मा। जैसे मुट्ठी पर चावल खाए, सुदामा को राज दे दिया तो यारे ले लेते, सुख देते परमात्मा हमारे, ये सिद्धांत है इसका। इसके पीछे एक वृक्ष है, गुलेर का वृक्ष, उसके पीछे क्या कथा है? कथा ऐसे है, जब राम नारसिंह अवतार में परमात्मा ने हिरण्यकश्यप का वध किया, उसके बाद में उसके जो अंदर जहर था हिरण्यकश्यप के, वो महाराज के नाखून में इनको दाह होने लगा, इनका शरीर सब जलने लगा। नारसिंह अवतार लिया था हमारे महाराज ने, आधा पुरुष का शरीर और आधा शरीर का नारसिंह, वो हमारे महाराज थे नरसिंह स्वामी महाराज। तो उनका जब दाह होने लगा तो महालक्ष्मी उनके पास गई और उन्होंने कहा कि हे भगवान, तुम ऐसे दिल में ला क्यों रहे हो? उन्होंने कहा मेरे को जहर का दाह हो रहा है, बदन में बहुत गर्मी हो रही। तो उन्होंने कहा ये देखो, उन्होंने हाथ में कुछ फल लाए और उनको कहा इसमें तुम्हारे नाखून काट दो, तुम्हारा दाह शांत हो जाएगा। तो भगवान ने बताते हैं उस फल में अपने नाखून गाड़े तो उनका हिरण्यकश्यप नाखून से उधर रहा था, तो उसका जहर चढ़ गया था तो शांत हुआ। तो उस वक्त हमारे महाराज ने उनको पूछा, माँ जी ये काय के फल है? तो उन्होंने कहा ये गुलेर है। तो ठीक है बोले, अब कलयुग आने वाला है, हमको अपने मन की देह की शांति करना है, इसके लिए हम अवधूमर में वास करेंगे शांति कारण। तो इसी के लिए इस वृक्ष में सारे सीजन में फल आते, साल में 3 मरतबा, और इसके नीचे जाने से शांति मिलती है, और जहाँ अवधूमर है वहाँ दत्त का वास है, ऐसा गुरु भक्तों का अनुभव है। इसी के लिए एक वृक्ष यहाँ पे लगाया और उसमें महाराज जी का वास है, लोग उसकी आस्था से पूजा करते। गुलर का उद्भिद जो नहीं है, अपने आप उगता है, वो कलम वगैरह नहीं लगती, फल भी नहीं बोए जाते, बीज रूप में। तो ये यदि इसको संजीवन हो जाए, ये चेत जाए, तो परमात्मा के इसमें वास है। ये प्रसिद्धि आने के लिए भगवान ने मेरे हाथ से वो वृक्ष का जो है लगवाया था, उसका वृक्ष बनाए, शुष्क काट था, सूखा लकड़ था जिसमें कुछ भी नहीं। मैं जब बोने गया तो आधा टूट गया था मेरे हाथ से, इतना सूखा था वो आज वृक्ष बन गया। ये उनकी कृपा है, इसका मेरे पास प्रमाण नहीं, अनुभव है। महाराज जी, दत्तात्रेय भगवान के ठीक सामने ये कछुआ यहाँ पर है, तो ये कछुए की क्या बात है, हर मंदिर में मिलते हैं?
हर मंदिर हिंदू मंदिर में सब दूर कछुआ का स्थान रहता ही है। उसका कारण ये है कि भगवान ने जब कच्छ अवतार लिया, वो जमीन पे भी रहता है, पानी पे भी रहता है, तो ये बताता है कि इंसान ने परमार्थ भी करना चाहिए और संसार भी करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ऐसा है कि ये ऐसी योनि है, इसको माता पिता का संग नहीं रहता कभी। माता जब पीरियड में आती है तो अंडे देने के लिए, तो अपनी पानी की जगह छोड़ के जमीन पे आती है, गड्ढा खोदती है, उसमें अंडे डाल के चले जाती है। उसके बाद माता का और बालक का संबंध नहीं रहता, पहली बात। फिर वो जो बच्चे अंडे में से खुराक खा के 21 दिन के बाद बाहर निकलते हैं अंडे में से, तो सामने देखते ऊपर आसमान, सामने पानी, माता पिता को तो पता ही नहीं, ते अनाथ है ये। तो ये परमात्मा का स्मरण करके पानी की तरफ आगे बढ़ता है। जब इसको भूख लगती है तो ये अपने माँ का स्मरण करता है, स्मरण मात्र से इसका पेट भर जाता है, ऐसा संत ने प्रमाण दिया है। दूसरा ऐसा है कि कछुआ इसी के लिए रखा है, ये संयम का प्रतीक है। आदमी के ऊपर या कछुए के ऊपर कोई आपत्ति आए तो कछुआ अपनी इंद्रिया समेट लेता है, उसके ऊपर तलवार से मारो उसका कुछ बिगड़ता नहीं। उस समय इंसान के ऊपर आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए, तो यदि प्रभु का स्मरण करे, अपने आप इंद्रिया समेट के प्रभु को शरण जाए, तो दुख का असर नहीं होता, वो आदमी सुखी हो जाता है। संता की कोई भी शक्ति उसका नाश नहीं करती, ये प्रतीक है संयम का। इसी के लिए कछुआ भगवान के सामने रहता है और उसकी दृष्टि हमेशा भगवान पे रहती है। वैसे जीव की दृष्टि हमेशा भगवान के ऊपर ही रहिए, भगवान को साक्षी रख के सब काम करना चाहिए, ये सिखाता है। जब सृष्टि पैदा हो गई तब सृष्टि जलाने के लिए ब्रह्मा ने 7 मानव पुत्र बनाए थे। 7 पुत्रों में अत्रिय तीसरे पुत्र थे। अत्रि का जन्म मन से हुआ, मन के अयोध्या द्वारा, तो मन है ने अत्रि, अत्रि है ने 3 गुणों से युक्त, तमो रजो 3 गुण जो है, इससे परे रहने वाला जीव उसको अत्रि का, और उसकी पत्नी अनुसया। अनुसया इसके लिए कहते कि जिसको कोई असूया नहीं थी, द्वेष नहीं था। जब असूया नहीं है, भक्ति है, तीनों गुणों से परे जीव है, तो उसमें जो जीव शक्ति पैदा होती है उसका नाम दत्त है। दत्त ने प्रत्यक्ष, दत्त ने सेवा, दत्त ने उपकार। तो ये अनुसया और अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय जगत कल्याण करने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए उनके पेट से लौकिक दृष्टि से जन्म लिया। वो मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी आगन की। दत्त महाराज के और भी जो अवतार थे उनके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो सतयुग में अत्रि अनुसया पुत्र दत्तात्रेय त्रयमूर्ति थे। उसके बाद में कलियुग चालू हो गया। कलियुग में दत्त ने फिर जन्म लिया पीढ़ापुर में, श्रीपाद शिवल्लभ के नाम से। हाँ, जो मानव अवतार था, दैवी सत्ता थी, दैवी अवतार था, पर मानव का शरीर था, उनका नाम श्रीपाद शिवल्लभ है। उसके बाद में 80 साल के बाद यानी 1290 की बात आई, महाराज का जन्म हुआ पीठापुर में। उसके बाद 80 साल में के बाद ये लाड कारंजा करके अकोला के डिस्ट्रिक्ट में गांव है, वहाँ पे एक ब्राह्मण कुटुंब में हमारे महाराज ने जन्म लिया, जिनका नाम नरसी नरसी स्वामी महाराज है, जिनका गानगापुर मार्ग में नरसोबा की वाड़ी, औदुम्बर और लाल कारंजा और बांगर ये स्थान है। उनका दूसरा अवतार कलयुग में। तीसरा अवतार जो है माणिक नगर में माणिक प्रभु हो गए, उन्होंने माणिक नगर में अपना स्थान बनाया, हुमनाबाद करके हैदराबाद के पास है। उसके बाद में चौथा अवतार ये स्वामी समर्थ, इन्होंने कहा ना तुम डरना मत, मैं तुम्हारे पीठ पे खड़ा हूँ, तुम डरो मत, तुमको यम की डरने लगना चाहिए, मैं आपके साथ हूँ। ये चौथा अवतार मानते। ये माणिक प्रभु और स्वामी समर्थ महाराज, इनकी पुण्यतिथि होती है, पर नरसिंह स्वामी महाराज और श्रीपाद जी वल्लभ इनकी पुण्यतिथि होती नहीं,
क्यों? तो इनका शरीर मिला ही नहीं, इन्होंने शरीर छोड़ा ही नहीं। शरीर छूट जाने के बाद में पुण्यतिथि मनाते, इनकी पुण्यतिथि नहीं होती, इनकी जन्मतिथि होती। इनकी जन्मतिथि श्रीपाद वल्लभ की गणेश चतुर्थी है और हमारे महाराज की पौष शुद्ध द्वितीया है, दत्त महाराज की पूर्णिमा है। स्वामी समर्थ के बाद में टेम्पे स्वामी महाराज, वासुदेवानंद स्वामी महाराज जो काका महाराज के समकालीन थे, उन्होंने जन्म लिया, ऊपर संसारी थे, उन्होंने गुरुचरित्र लिखा है और उनके लिए दत्त महात्म्य करके उनकी समाधि गोडेश्वर में है गुजरात में। ऐसा यहाँ तक का तो इतिहास दत्त महाराज के नाम से है, बाकी सब अंशात्मक अवतार है, आए कार्य करा समाधि लेके चले गए। आज भी परंपरा है दत्त महाराज की। महाराज जी, ये जो मंदिर है दत्तात्रेय भगवान का, यहाँ के दिन भर की क्या क्या गतिविधियाँ यहाँ पर होती है, किस समय पे आरती होती है, क्या होता है यहाँ पर? इसका यहाँ पे ऐसा है, नित्य नियम से सवेरे 5-4:30 बजे काकर आरती होती है 6 बजे तक, उसके बाद में दोपहर में नित्य पूजा होती है माध्यान्ह पूजा, उसके बाद में सायंकाल को सांझ आरती और रात को 9:30 बजे तक ये भजन पूजन चलते रहता है यहाँ। ये रोज की गतिविधियाँ, और विशेष करके गुरुवार को ज़्यादा भीड़ होने से दिन भर भजन पूजन आरती ये सब होते रहता है। लोग अपने अनुभव बताते, पूछते, कुछ पूछने आते हैं। इस तरह से गुरुवार के दिन इनका दिन होने से काफ़ी भीड़ रहती है, मेला भी लगता है। अच्छा, बाकी जो है यहाँ पे हम लोग भगवान के कुछ स्मरण और सामुदायिक कार्य के लिए इनके 4-5 कार्यक्रम करते, जैसे नवरात्रि, दोनों नवरात्रि करते, राम नवरात्रि और शारदा उत्सव, शारदा नवरात्रि। शारदा नवरात्रि में 9 दिन यहाँ उत्सव होता है, भजन पूजन पाठ वगैरह होता है, और उसके बाद में उस पूर्णिमा को, शारदीय पूर्णिमा को, कुजागिरी पूर्णिमा को यहाँ कन्या भोजन होता है। दत्त जयंती के नवरात्र चालू हुआ तो पहले दिन यहाँ शोभा यात्रा निकलती, कहाँ पे, देवास में, उसमें हजारों लाखों लोग रहते। उसके बाद में दिन भर शोभा यात्रा के बाद वो पालकी बांगर में देवास में करके आती है, उसके बाद में 9 दिन तक यहाँ मेला, दर्शन, पूजन, गाजन सब होता है। गुरुचरित्र का पाठ 7 दिन करते हैं हम। उसके बाद में दत्त जयंती के पूर्णिमा के दिन होती है। उसके बाद में जो अगला रविवार आएगा दत्त जन्म के बाद का, उस समय यहाँ भक्तों के लिए भंडारा होता है। भंडारे में हजारों की तादाद में जनता आती है अपने स्वयंस्फूर्त, और वो सब जनता के द्वारा जनता के लिए ही किया जाता है। हमारे इसमें खाली सहयोग सेवा का रहता है, हम खाली आए भक्तों की सेवा मात्र करते, बाकी सब परमात्मा की कृपा से सब भक्तों ने अपने अपने द्वारा सहयोग करके इसको संपन्न बनाते, जिसमें 70-80 हजार तक जनता आती है। पुलिस बंदोबस्त रहता है, या भीड़ लगी रहती है, उस दिन ये रोड बंद हो जाता है, उस दिन ये रोड इतनी भीड़ रहती है। लोगों का भक्त प्रेम है, परमात्मा बुलाता सब। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद। दत्त मंदिर परिसर में परिक्रमा मार्ग में सबसे पहले दर्शन करते हैं हम भगवान साईनाथ के। दत्त गुरुन से नाम स्मरा हो, दत्त गुरुन से भजन करा। दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा। मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो नारियल बंधे हैं वो मनोकामनाओं का प्रतीक है। कहते हैं श्रद्धालु अपने दिल में सच्चे दिल से जो भगवान की पूजा करते हैं और मनोकामना मांगते हैं, वो 5 रविवार या 5 गुरुवार या 5 दिन सलंग यहाँ आकर नारियल बांधते हैं, उनके दिल की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, और ये नारियल उसी का प्रतीक है। दिगंबरा।
ये जो समाधि है ये काका महाराज की समाधि है, इन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था। चरण माहेर सुखा से दत्त भजन भोजन मोक्षा से कब चला बता दत्त कृपे से कली काला से भय न धरा। जी हाँ, ये वही वृक्ष है गुलेर का। लय करता योग ज्ञान उद्गाता त्राता दत्त चरित मधु गाता गाता दत्त चरित मधु गाता गाता भव सागर हा पार करा। शक्तिपीठ माँ चामुंडा, ज्ञानपीठ महाकाल और उसके मध्य स्थित यह है भक्तिपीठ। और भक्तिपीठ के इस मंदिर में माँ को हमारा शत शत प्रणाम। परिक्रमा मार्ग में अंतिम दर्शन हनुमान जी की। जय श्री राम। हे नामामृत भव भयहारक अघ संहारक त्रिभुवन तारक आत्म सुखाचा मोक्ष लुटाया आत्म सुखाचा मोक्ष लुटाया अमोल ठेवा हाती धरा। आज आपने आराधना की प्रभु दत्त की। फिर मिलेंगे किसी और मंदिर में और करेंगे आराधना। दत्त चरण माहेर सुखा से दत्त भजन भोजन मोक्षा से कब चला बता दत्त कृपे से कली काला से भय न धरा। दिगंबरा दिगंबरा सीताद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दिगंबरा दिगंबरा।